हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा आर इट्स जीरोस। क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। अब हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके ये दो जीरोस ऑलरेडी गिवन है, 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है देखिए। सबसे पहले मैं इस पॉलिनोमियल को नोट करूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो फॉर्मुलेस पढ़े हुए हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उन दो फॉर्मुलेस का इस क्वेश्चन में यूज होगा। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम सम ऑफ जीरोस भी बोलते हैं, इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए। सेकंड आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये इक्वल होता है सी बाय ए के। बी की वैल्यू है एक्स का कोफिशियंट यानी पी, ये हो जाएगा माइनस पी। ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1, तो यहां से सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस पी। नाउ अल्फा बीटा की बारी। अब सी की वैल्यू होगी क्यू, ए होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यानी 1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई क्यू। ठीक है, यहां तक का क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके ये दो जीरोस हमें गिवन है, 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। तो यहां पे लिखेंगे वन बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा आर द जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। मीन्स जो पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है उसके ये दो जीरोस हमें गिवन है। अब एक छोटी सी बात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूले का यूज हमें करना होता है, वो फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूं। तो बेटा कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करो, फॉर्मूला रहता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये एस और पी ये क्या होते हैं देखिए, एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहेगा, एस का मतलब होता है सम ऑफ जीरोस। जीरोस कौन से, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको ये दो जीरोस गिवन है 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा, इन दोनों का सम करके जो वैल्यू आएगी वो यहां पुट की जाएगी, दैट इज सम ऑफ जीरोस। इसको हम एस से डिनोट करते हैं। फिर बात आती है पी की, पी मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इन्हीं दोनों का जब प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो आप यहां पुट करेंगे। तो ये फॉर्मूला किस लिए हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का, राइट। अब सबसे पहले क्या करना है हमें, एक तो सम ऑफ जीरोस निकालना है और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहां पे नोट करेंगे सम ऑफ जीरोस मींस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। इसको थोड़ा यहां पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अल्फा बीटा का जो एलसीएम आएगा वो आएगा अल्फा बीटा, अल्फा टू अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा इंटू वन करेंगे यहां पे आएगा बीटा, प्लस बीटा टू बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू वन अल्फा। न्यूमरेटर में आ गया अल्फा प्लस बीटा, और आप ऊपर देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई हुई है माइनस पी। इस वैल्यू को यहां पुट कीजिए माइनस पी अपॉन अल्फा बीटा की भी वैल्यू ऊपर से देखो क्यू आई हुई है, इसको यहां पुट कीजिए। तो यहां पे जो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस पी बाय क्यू, क्लियर। अब इसके बाद हमें एक और निकालनी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहां लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा, 1 इंटू 1 1, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू भी देखो फिर से वही क्यू पुट करनी है यहां पे,
तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब इस फॉर्मूले को नोट करके ये दोनों वैल्यूज यहां पे पुट कर देंगे और हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आ जाएगा, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इक्वल टू फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम की वैल्यू कितनी आई है देखो माइनस पी बाय क्यू, माइनस पी बाय क्यू इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी आई हुई है वन बाय क्यू, यहां पुट करेंगे वन बाय क्यू, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी बाय क्यू इंटू एक्स प्लस वन बाय क्यू। आप चाहो तो इसको यहीं पे आंसर को छोड़ सकते हो, बट मैं एक स्टेप और आगे करूंगा। वो स्टेप क्या है बहुत ध्यान से देखना। डिनोमिनेटर में से आप डिनोमिनेटर में कुछ भी हो उसको अगर आपको हटाना हो तो क्या करना होता है, यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है देखो क्यू, इसको रिमूव करने के लिए मैं पूरे पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई कर दूंगा क्यू से, तो डिनोमिनेटर से क्यू हट जाएगा, तो वही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो देखो क्यू की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा क्यू एक्स स्क्वायर प्लस, जब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे क्यू से तो क्यू से क्यू कट जाएगा, क्या बचेगा P, ये आ जाएगा पी एक्स प्लस, जब यहां पे वन से Q की मल्टीप्लाई करेंगे तो Q से Q फिर कटेगा, यहां पे क्या बच जाएगा वन। तो बच्चे यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूं कि कभी भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने को आ जाए और उसके जीरो गिवन हो तो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाता है। आपको एक पॉलिनोमियल देखो पहले से गिवन होगा, उस पॉलिनोमियल से ना आपको दो वैल्यूज निकाल लेनी है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दो वैल्यूज निकाल ली। देन इसका अगला स्टेप क्या होगा, जो पॉलिनोमियल फाइंड करना है उनके दो जीरोस आपको गिवन होंगे, उन दोनों जीरोस का एक बार आपने सम करना है, सम ऑफ जीरोस सम करके वैल्यू निकाल लेनी है, देन उन्हीं दो जीरोस का प्रोडक्ट करके वैल्यू निकाल लेनी है। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, इस फॉर्मूले का यूज करके आपने फाइनल आंसर निकालना है। एस की जगह आएगी ये वैल्यू जो सम ऑफ जीरोज आपने निकाली है, पी की जगह आएगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाली वैल्यू। तो यहां पुट करके हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया और इसका आंसर आ गया। आप एक बार इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करें, आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये क्वेश्चन।